चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं पटना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जादू, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दीपक डाक रहे हैं भाजपा के नेता हैं, अपने पैतृक गांव से बारहवीं विशाल डाक कावड़ लेने के लिए अपने गांव के लोगों के साथ, अपने पैतृक गाँव के लोगों के साथ यहाँ से निकलेंगे और सीधा हरिद्वार से विशाल डाक कावड़ लेकर के यहाँ पर आएंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि युवा अत्यधिक मात्रा पर। अब मैं आपको चारों तरफ से आपको दिखा दूं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर हैं, महिलाएं है, ज्यादा हैं। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, देखिए अगर महिलाएं हैं तो आप देखेंगे चारों तरफ से, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, जय भोले की। सर डाक कावड़ लाने जा रहे हैं, कब वापस लौटेंगे और क्या कहना चाहते हैं? भाई आज जा रहे हैं और जल की वहीं हरिद्वार में जाके पता लगेगी। कोई कह रहा है 15 तारीख को है, कोई 16 तारीख को है। अगर जो 15 का है तो 15 को लौटेंगे, नहीं अगर 16 का हुआ तो 16 को सुबह लौटेंगे। कौन सी डाक कावड़ जा रही है आपकी इस बार? हमारी गांव की बारहवीं डाक कावड़ जा रही है। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? हमारे साथ कम से कम 30-35 बंदे हैं सब मिला के। क्या संदेश देना चाहेंगे आप डाक कावड़ के लिए लोगों? भाई हम तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे, सब भक्ति भाव से जाए और किसी को हानि ना हो, ये हमारी भोले बाबा से प्रार्थना है। और जो भी भाई जाए कावड़ लेने वो बड़े प्रेम से और प्रेम से जल लेके आए। अपनी पिछला विधानसभा के लिए भगवान से क्या मांगे, गंगा माँ से क्या मांगे? भाई मैं तो अपनी पिथला विधानसभा क्षेत्र के लिए और सारे पिथला परिवार के लिए भोले बाबा से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सारे परिवार सुखी हों, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आने वाले टाइम में ऐसी विकास की गंगा बहे, ऐसा भोला आशीर्वाद दे जो युगों तक जानी जाए। बारहवीं और तेरहवीं डाक कावड़ आपके लिए स्पेशल होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, डेढ़ वर्ष चुनाव में रहा है, क्या कुछ खास आप अपने लिए और पटना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अलग से देंगे? ऐसा है जी, ये तो दिल की बात कह देता हूँ। कावड़ और राजनीति अलग अलग है, बारहवीं में आज जा रहे हैं, तेरहवीं में फिर भी जाएंगे, आस्था है, लगातार जा रहे हैं और जाते रहेंगे। ठीक रही राजनीतिक बात, राजनीति से प्रेरित नहीं है हमारा भावना है भोले में शुरू से ही, और अंतरात्मा की आवाज़ है कि जो भोले करते हैं वो किसी पे नहीं होता। और हम तो आपसे सभी बंधुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि अपने हिंदू धर्म में आस्था रखो और आस्था को आगे बढ़ाओ। चलो बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके, देखिए बहुत सारे लाइव तस्वीरें देखिए, आप सीधे सीधे तौर पर बोल रहे हैं, देखिए देखिए ट्रैक्टर भी साझा हो सकता है कि भंडारे का आयोजन करें। आप सीधे तौर पर बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे तौर पर बोल रहे हैं, चलिए आप सीधे तौर पर जो रहे हैं लाइव तस्वीर में। चलिए आप सीधे तौर पर जो रहे हैं, देखिए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से कल हमने एक खबर की, उसको लगभग 18 लाख लोगों ने देखा, तो उसी संदर्भ में आज हम ग्राम पंचायत जादरू में हैं और यहाँ पर दीपक डागर जो कि भाजपा के नेता हैं वो कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 15 या 16 तारीख, अगर 15 को जल चढ़ाया जाएगा तो 15 को वापसी की होगा, अगर 16 को होगा तो 16 को चढ़ाया जाएगा, तो 16 को भी वापसी मांगे करो। हेलो बोले, आप सीधे तौर पर बोले लाइव तस्वीर में, देखिए इसमें क्या क्या होगा, मैं आपको अंदर से डाक कावड़ के अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या होगा। भाई ये कितनी बाइक है इसके अंदर? हाँ भाई हेलो, कितनी बाइक है इसके अंदर बता दो, 5 है, 5 बाइक है इसके अंदर, कितनी बाइक है इसके अंदर? 5 बाइक है। अच्छा, तो 5 बाइक लगातार दौड़ती रहेंगी? हाँ जी हाँ, लगातार। चलिए आप सीधे तौर पर दौड़ रहे हैं, देखिए 5 बाइक लेकर आप साथ जाएंगे।
पर जुड़ रहे हैं। देखिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर करें, अगर आप शेयर करेंगे तभी लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो हमें निश्चित तौर पर बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और आप सभी की हम इस तरीके से लगातार कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखें कि पूरी तैयारी ये कर रहे हैं, इस तरीके से देखते रहें। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए हम किसी महिला से भी बात कराने की कोशिश करेंगे, और कोई महिला है इस बार। हेलो। हाँ बेटा बताओ। हैं? क्या नाम आपका? मोक्ष। क्या हो रहा कार्यक्रम पता आपको? हैं हाँ। क्या हो रहा बताओ? जाजरू गांव से कांवर जा रही है। अच्छा फिर आप क्या कहोगे? हैं? आप क्या कहोगे? आप भी चलिए। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए मैं किसी महिला से आपकी बात कराऊंगा, अगर कोई महिला बोलना चाहेगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, आपको नवा गाँव का। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। कुछ कहोगे भाई? नाम बताओ, क्या कहना चाहोगे? नाम विशाल डागर, फ्रॉम जाजरू। कुछ नहीं कहना चाहते फिलहाल तो भाई। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरें। हाँ जी आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर कर दें, अगर आप सभी प्रोग्राम में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। आप देखेंगे जाने की पूरी तैयारी, और मैं जब जाते हुए इन्हें वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे और भगवान शिव से। बेटा गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं है। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चे हर तरीके का मजाक भी करते हैं, और कुछ जो हमारे यहाँ बुजुर्ग महिला है वो प्रसाद बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहे, जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, और मैं आपको हर चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। ले लिया बेटे का। बोला तेरी बम बम बम। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं कि इस तरीके से आप हमसे सभी से आप हमसे जुड़ रहे हैं, और आप अगर बोलेंगे और आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपकी बात दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देखें कि महिला में खुशी है, खुशी इसलिए है कि देखिए उनके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति श्रद्धालु। सारे हनुमान बाबा के भक्त दिख रहे हैं आपको। आप देखिए कोई ना कोई व्यक्ति उनके परिवार से जाता तो निश्चित तौर पर उनको खुशी होती है, और वो खुशी चलिए। देखिए कोई महिला अगर कोई बताना चाहेंगे इस बारे में तो हम महिला से सुनवाने का आपका काम करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर मेरा नाम सीता डागर है, जाजरू से ही बिलोंग करते हैं। क्या कुछ खास कहना चाहेंगे श्रद्धालु कांवड़ के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हर साल गांव में हर साल की तरह इस साल भी पूरा जोरों शोरों से बच्चों में पूरा उत्साह है, जोश है, और कांवड़ यात्रा के लिए ये इनकी 12वीं कांवड़ यात्रा है, हर साल जाती है, और नई जो जवान जो युवक है, नए युवक उनमें इस बार जोश है, पूरे उत्साह के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भोले बाबा की यात्रा को सफल करके आएंगे, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, धन्यवाद। अच्छा आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए चलिए
देख लो जल्दी करो फिर कट कर। चलिए आप आवाज तुम्हारा दिखाता हूँ। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पीछे से कैमरे के पीछे से आकर के कुछ कमेंट कर। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे बोलो। जैसे कि मैं, चलिए चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इस तरीके के नटखट अगर बच्चे शरारत ना करें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे हमेशा हंसते हुए खेलते हुए अच्छे लगते हैं। Thank you.